नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो हिमाचल प्रदेश में मतदान हो चुका है, गुजरात में मतदान होना है 1 और 5 तारीख को। लेकिन इन चुनाव में खास बात एक नजर आ रही है, वो ये है कि टिकट बहुत कट रहे हैं। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 27 साल से गुजरात में सरकार चला रही है, वहां पर काबिज है, बावजूद इसके ऐसे लोग जो पहले विधायक रहे हैं, जीत की गारंटी है जिनके पास, उनके भी टिकट काटे जा रहे हैं, पूर्व मंत्रियों के टिकट काटे जा रहे हैं। तो क्या वजह है कि ये टिकट काटे जा रहे हैं और क्या एंटी इनकम्बेंसी को रोकने का तरीका ढूंढ लिया गया है, ये जानेंगे संजीव त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं उनसे। संजीव जी, आप टिकट काटो और चुनाव जीत जाओ, लोगों की जो गुस्सा है वो विधायक जिससे थी उसको हटा दो, नया प्रत्याशी ले आओ, उससे शायद बात बन जाए। क्या ये नया पैटर्न अब जो है राजनीति में आ गया है, चुनाव में देखने को मिल रहा है जो लगातार? देखिए, गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने मुख्यतः इन दोनों राज्यों में है। आम आदमी पार्टी भी गुजरात में लड़ रही है, हिमाचल में भी लड़ रही थी। लेकिन अगर हम इन दोनों पार्टियों की बात करें तो हम ये पा रहे हैं कि जहाँ तक बागियों का सवाल है या नाराज़ लोगों का सवाल है कि हमें टिकट नहीं मिला, वो भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि उसके पास 21 बागी जिनके टिकट कट गए थे या उन्हें नहीं मिला था या वो कह रहे थे कि हम डिजर्व करते हैं, हम सिटिंग MLA हैं, वो खड़े हो गए हिमाचल प्रदेश में। वहीं हमने देखा कि जब टिकटों की घोषणा हुई है गुजरात में, तो पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट मिला लें आप तो 42 विधायक जो हैं सिटिंग MLAs उनके टिकटें काट दी गई हैं। 160 में पहले 38 की टिकट कट गई थी, फिर बाद में 4 और की टिकटें कट गई। इसका अर्थ ये हुआ कि करीब गुजरात में 25% सिटिंग MLAs की टिकटें काट दी गई हैं और ये कोई इत्तेफाक तो है नहीं, ये तो बहुत सोच समझ कर के किया गया कार्य है, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है गुजरात में। जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, टिकटें उस वक़्त भी काटी जाती थी, हो सकता है इतनी बड़ी संख्या में ना काटी जाती हो, लेकिन टिकट उस वक़्त सिटिंग MLAs के कटा करते थे। अब ये एक फॉर्मूले के तौर पर आ गया है। इसी साल उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए और आपको याद होगा 312 MLAs का बहुमत था और 149 टिकटें काट दी गई थी। 312 MLA वहाँ 403 की सीट है और कोई असर नहीं पड़ा, फिर सरकार बनी और मजबूती से बनी। तो ये आकलन कहीं ना कहीं दुरुस्त नज़र आता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी का एक फिनोमेना है भारतीय राजनीति में देखा जाता है, उस एंटी इनकम्बेंसी को ख़त्म करने का क्या कोई तोड़ ढूंढ लिया गया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने मास्टरी कर ली है, जिसमें कि वो अपने ही विधायकों का खुद ही टिकट काट देती है, जनता हराए उन्हें उसके पहले वो खुद ही उन्हें हटा देती है, और इस तरह से जो एक सत्ता विरोध की एक लहर होती है वो बहुत हद तक दब जाती है और फिर उसका फ़ायदा फाइनल नतीजों में होता है। एक पैटर्न के तौर पर ये साफ इमर्ज कर रहा है। बीजेपी तो इसका फ़ायदा ले रही है, जीत दर्ज कर रही है लगातार, कांग्रेस इसका फ़ायदा नहीं ले पा रही है क्योंकि वो शायद उन्हीं चेहरों पर फिर से दांव चल रही है, क्या ऐसा है? रिपीट टिकट्स का आपने सही कहा, ये फार्मूला जो है वो बीजेपी के साथ लागू होता है, कांग्रेस रिपीट टिकट्स में विश्वास करती है ज़्यादातर। अब देखिए, रिपीट टिकट्स उन्हें इसलिए भी देना पड़ता है क्योंकि उनके पास फिलहाल के दौर में विधायक कम हैं, लेकिन जिन जिन राज्यों में भी हैं उनकी सरकारें तो वहाँ पर इस तरह से वो टिकट नहीं काट पाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब आप बड़े पैमाने पर टिकट काटते हैं तो फिर नेतृत्व के सामने एक समस्या आती है बागी लोगों की। तो अगर आपका नेतृत्व सेंट्रल कमांड मजबूत है तब तो आप टिकट काट सकते हैं और फिर विरोध नहीं होगा, वरना जिस व्यक्ति की टिकट कटती है वो सिटिंग विधायक है, उसकी अपनी एक वोट बेस है, तो वो या तो बागी खड़ा हो जाता है या फिर दूसरे दल में जाकर के अपने ही दल के खिलाफ टिकट ले लेता है। आप ये समझिए कि गुजरात में, आपको मैं उदाहरण देता हूँ, मधु श्रीवास्तव 6 बार से विधायक हैं वागोडिया से और उनकी टिकट काट दी गई। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, 2002 के दंगों में भी नाम आया था
और वो कहते हैं हमेशा कि मेरी डायरेक्ट लाइन बाहुबली छवि रखते हैं, मेरी डायरेक्ट लाइन अमित शाह और नरेंद्र मोदी से है, और मैं भूपेंद्र पटेल से क्यों बात करूं जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। 6 टाइम MLA की टिकट काट दी गई और बहुत शोर नहीं हो रहा है। वो एक मंत्री मनाने के लिए भेजे गए, उनसे उन्होंने मुलाकात की, नाराज़गी दिखा रहे हैं। पर ये तो बाहुबली और कद्दावर 6 बार के विधायक हैं, जो 1 या 2 बार के विधायक हैं उनकी टिकटें काटी गई, वो तो एकदम चुपचाप हैं, कहीं कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप जो है वो मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में हम ये बात इसलिए नहीं देख पाते हैं, ज़्यादातर रिपीट टिकट्स मिलती हैं, क्योंकि जो MLA होता है उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो सेंट्रल लीडरशिप से या स्टेट लीडरशिप से वो बात करता है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ कि हमारी टिकट नहीं कटे, और फिर वो टिकट नहीं कटती है। अब मान लीजिए उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो पार्टी को उसका नुकसान हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं। अब आप देखिए, मैं आपको बताऊँ उदाहरण के तौर पर, तो ये अगर एक्सट्रीम राइट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो एक्सट्रीम लेफ्ट में CPM खड़ी है और केरल में तो उसकी सरकार है। उन्होंने उस छोटे से राज्य में भी पिछले चुनाव में 38 टिकटें काट दी थी, तभी उनकी सरकार भी बन गई। आप चले आइए दिल्ली, अरविंद केजरीवाल 2020 में चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने आप जानते हैं 70 सीटें हैं यहाँ, 15 टिकटें काट दी उन्होंने, तो यहाँ भी करीब करीब 20% से थोड़ा ज्यादा ही टिकटें उन्होंने काट दी। तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक तरीका डिवाइस कर लिया है राजनीतिक दलों ने कि ये एक अगर अनपॉपुलर कैंडिडेट है, उसके लिए आप जानते हैं वो सर्वेज कराती हैं, बड़ा क्लिनिकल एनालिसिस करती हैं कि हमारी जीत की क्या संभावना है, इस अमुक व्यक्ति की जीत की क्या संभावना है। वो सर्वे एजेंसीज़ बड़े टेक्निकल तरीके से अपने लोगों को क्षेत्र में भेज करके जब वो एनालिसिस कर लेती हैं, उसके बाद फिर ये बड़े सधे हुए तरीके से कह दिया जाता है। बड़ा गजब का उदाहरण है हिमांशु कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री, अभी 15 दिन नहीं बीता है, अहमदाबाद गए और किसी कार्यक्रम में 11 विधायक बैठे हुए थे उनके साथ, और वो कार्यक्रम हुआ उसमें से 10 के टिकट कट गए उसी कार्यक्रम में। अभी 15 दिनों पहले की बात है, उस कार्यक्रम जो अहमदाबाद में हो रहा था, प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, कोई सोच भी नहीं सकता था उस वक्त, उसमें से सिर्फ 1 MLA टिकट पा पाया। तो इसके लिए यही वजह है कि मैं ये सुखबुगाहट सुन रहा हूँ, तमाम ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि BJP के जो नेता हैं उनके अंदर डर है कि हमारा टिकट कब कट जाए, कैसे कट जाए, कुछ पता नहीं है। हाँ, कर्नाटक में तो चूंकि अगला चुनाव होना है तो वहाँ तो सुखबुगाहट शुरू हो चुकी है, और आपको हम बताएं कि कर्नाटक प्रधानमंत्री को जाना था 11 तारीख को, 11 नवंबर को, तो वो वहाँ गए, उनके जाने के ठीक 1 दिन पहले उसी राज्य से राज्यसभा सांसद आते हैं लहर सिंह सिरोया, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि जो गुजरात में हुआ वो बड़ा अच्छा हुआ। गुजरात में क्या हुआ था, विजय रूपाणी, नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह चुडासमा और प्रदीप सिंह जाडेजा, ये तमाम मंत्री बड़े चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री, ऐसे लोगों ने कह दिया था कि सारे के सारे पूर्व मंत्री थे जिनकी बात मैं कह रहा हूँ, उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि साहब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये बड़ा अच्छा ट्रेंड सेट हुआ है, और इसी तरह की बात कर्नाटक में होनी चाहिए, उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा कहा। और मैं गुजारिश करता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि बहुत अच्छा हुआ है, वो खुद से कह दें कि मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। बताइए, राजनीति में कोई व्यक्ति है वो खुद से कहे कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ? चुनाव लड़ने के लिए ही तो राजनीति करते हैं, और उसके बाद सब लोगों की नज़र जनरेशनल शिफ्ट की बात उन्होंने कर दी उस ट्वीट में। तो जितने भी मान लीजिए कि कोई 60 साल का, 65 साल का, जो पहले कोई एज नहीं समझी जाती थी, यहाँ तो 75 साल का जब नियम बनाया हुआ है खुद BJP ने, तो 70 साल वाले, 72 साल वाले, सब खुद प्रधानमंत्री मोदी 71 साल, तो ऐसे में सब लोग ये सोच रहे थे कि अभी तो हमारा टाइम है, पर अब जो भी 60 से ऊपर के हैं उनको अपने लिए ख़तरा लगने लग गया है, और लग रहा है कि अब हमारे बारी आने वाली है, और ऐसा होगा भी, उनका जो संदेह है वो निर्मूल नहीं है, ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि जो ट्रेंड्स हैं वो यही शो कर रही हैं। हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है, और उसकी इस नीति को देख करके दूसरे दल कर रहे हैं, कांग्रेस अलबत्ता उतना नहीं कर रही है, और
शायद ये एक वजह है कि कांग्रेस चुनाव में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, बड़े बड़े विकेट गिर जाते हैं, चुनाव में गिर जाते हैं, अगर उनकी टिकटें पहली काट दी जाए तो शायद वैसा नहीं होगा। यानी कि ये जो 27 साल का राज है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का, ये इन जो टिकट काटे गए हैं उससे और भी आगे बढ़ने वाला है। देखिए, अब उसकी कहानी ऐसे है कि जीतू बघानी पाटीदार समुदाय से आते थे, वो 2020 तक गुजरात के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष थे। जब उन्हें हटाया गया तो लोगों ने सोचा कि कोई पाटीदार ही आएगा, क्योंकि विजय रूपाणी उस वक्त मुख्यमंत्री थे और वो पाटीदार समुदाय से नहीं आते थे, तो कोई पाटीदार समुदाय जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक सी आर पाटिल करके सांसद हैं नवसारी से, मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने उनको बना दिया प्रदेश अध्यक्ष। सी आर पाटिल मूल रूप से महाराष्ट्र के हैं और सूरत शहर में उनका घर है और नवसारी बगल की सीट है, वहाँ से लड़ते हैं और जीतते हैं, 3 बार के MLA हैं। वो जब पहुँचे सी आर पाटिल तो उन्होंने अपने प्रयोग किए और उन्होंने जो प्रयोग किए उसमें पहले तो उन्होंने वहाँ 2020 में उन तमाम MLAs को चुनाव लड़ाया जो कि कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए थे, बहुत से छोड़ के चले गए थे ना, तो उनको लड़ाया और जीते उसमें से। तो चलिए उसमें मजबूरी थी क्योंकि वो छोड़ के आए हैं तो उनको टिकट दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद लोकल बॉडी पोल्स हुई और लोकल बॉडी पोल्स में उन्होंने कई तरह के नियम लगा दिए कि परिवार वालों को नहीं दूंगा, 60 वर्ष के बाद ज़्यादा वालों को नहीं दूंगा, और इस तरह से उन्होंने कर करके आधा से ज़्यादा टिकट काट दिया और नए लोगों को डाल दिया। और पूरे लोकल बॉडी पोल्स, उसी पोल की बात कर रहा हूँ जिसमें कि केजरीवाल जो हैं वो थोड़ी सी सीटें सूरत में जीते, अच्छा, और नाम हो गया, उसमें पूरी गुजरात में बीजेपी जीत गई, सूरत को अगर हम छोड़ दें तो। और उसके पीछे यही गणित था कि भाई हटाओ उनको जो कि कई बार से बन रहे हैं और उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, कुछ ये बहाना बना दो, कुछ वो बहाना बना दो, लेकिन हटाओ, हमें जो सिटिंग पार्षद हैं वो नहीं चाहिए हमें। और इस तरह तो ये एक्सपेरिमेंट सफल वहाँ फिर से हुआ। ये रिस्क भी तो है राजनीतिक दलों के लिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी तो ये रिस्क लिया कि जो है मौजूदा वो कहीं ना कहीं एक अपना बेस रखता है, अब उस बेस को ही पूरा आप हटा के किसी नए को लेकर आओ और फिर वो चुनाव लड़े और ऊपर से नाराजगी भी सहो जिसको आप हटाओगे, तो ये एक एक्सपेरिमेंट भी तो था। बिल्कुल सही बात है। तो ये करने के लिए आपके नेतृत्व की जो ताकत है हम लोगों ने, वो उसका आकलन होता है और वो कितनी इफेक्टिव है वो तय करता है कि इस प्रयोग को आप सफल तरीके से करें। हम लोग बात कर रहे थे कि लोकल बॉडी पोल्स में बदल दिया गया, जो पंचायत चुनाव और वार्ड पार्षद चुनाव थे उसमें बदल दिया गया। नहीं साहब, पिछले साल नवंबर के महीने में तो पूरी कैबिनेट बदल दी गई। आप ये सोचिए कि विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बदल दिए गए, उनके कैबिनेट में जितने भी लोग थे उन सबको हटा दिया गया और जो 24 लोग नए आए उनमें से कोई पहले मंत्री नहीं था। अच्छा, मैं चुनाव के ठीक एक साल पहले उन्होंने किया, ये मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, जब भूपेंद्र पटेल बनाए गए, तो न केवल टिकट इस बार काटे गए हैं बल्कि एक साल पहले पूरी कैबिनेट बदल गई है। यानी कि गुजरात में आप ये समझ लीजिए सब कुछ नया है। साल भर पहले जो मुख्यमंत्री थे वो मुख्यमंत्री नहीं है, साल भर पहले जो मंत्री थे वो मंत्री नहीं है, और जो लड़ रहे हैं जो वो सब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और जो लड़ रहे हैं वो अचानक से नए हैं उसमें से एक चौथाई। तो सब कुछ नया करके ये नया वाला जो फार्मूला है, ये जीत का फार्मूला है क्या, ये टेस्ट होगा और इसका स्वाद लग गया है उन्हें। इसलिए जैसे मैंने कहा लोकल बॉडी पोल्स, पार्षद बदल दो, उस तरह से उन्होंने किया है, और चूंकि यूपी में भी वो किया, उन्होंने विधायक बदले, तो भारतीय जनता पार्टी को एक ये फार्मूला जो है अब बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने का मौका। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा इसलिए उठा पा रही, मुझे जो समझ में आता है कि जीत की गारंटी उस कैंडिडेट की है ही नहीं, जीत की गारंटी तो कोई और लेकर आ रहा है, किसी और फेस पर चुनाव हो रहा है, इसलिए आप जानते हैं हम जिसे खड़ा करेंगे वो जीतेगा, बस उस नाराजगी को जो उस विधायक से है उसको हटाओ, बाकी जीत की गारंटी तो ऊपर से आ रही है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, उन्हीं को लेकर कहा जा रहा है कि ये चुनाव हैं और जीतिए और जनता वोट कर रही है उनके चेहरे पर, वो उस विधायक जो कैंडिडेट खड़ा है उसके ज़्यादा मायने रह नहीं गए हैं,
शायद यही वजह है कि बीजेपी ये सक्सेसफुली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पा रही है और उसका फ़ायदा उठा पा रही है। जी बिल्कुल। और अगर मान लीजिए कि वो दूसरों के बल पर जीत रहे हैं, कोई विधायक बन रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो काम करें, अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं आने दे। नेतृत्व के दम पर अगर आप जीत रहे हैं, उस सिंबल के आधार पर आप जीत रहे हैं, कमल छाप का इन्हें मिला तो ये जीत गया, इन्हें मिला तो ये जीत गया, तो अगर वो जीत रहे हैं तो फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो काम करें। और काम कैसे करें, तो आपका आपका एक आकलन अब करने लगी है पार्टियां, हर पार्टी करने लगी है कमोबेश कि भाई आप कितने सवाल पूछते हैं असेंबली में, जो ज़िला कमिटीज़ होती हैं, विकास से जुड़ी हुई बैठकें होती हैं, उसमें आप कितने मौजूद रहते हैं, आप कंस्टिट्यूएंसी में कितने मौजूद रहते हैं, आपका जनता दरबार कितना लगता है, और ये सारा आकलन तय करता है कि भाई आपको दोबारा टिकट मिले ना मिले। अब कुछ दबंग किस्म के लोग होते हैं, वो ये भी नहीं करते हैं और टिकट भी ले लेते हैं, और फिर मान लीजिए जीत गए तो ठीक, और हार गए तो पार्टी को नुकसान हो जाता है। तो यहाँ ये तय करने की कोशिश है कि भाई पार्टी के सिंबल पर आप लड़ रहे हैं, तो पार्टी के सम्मान के लिए आपको बदला भी जा सकता है, आप इम्पॉर्टेंट नहीं है। पर फिर मैं कहूंगा इसके लिए जो सेंट्रल लीडरशिप है उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। कल देखिए, अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी फिर से चुनाव जिताने लग जाते हैं लोगों को, उनका भी रसूख और रुतबा वैसे ही रहेगा, फिर वो बहुत आसानी से विधायक, एमपी, चीफ मिनिस्टर जो पहले बदला करते थे वो बदल पाएंगे। आज वही रसूख जो कमा है, घटा है, उसी का नतीजा है कि वो टिकटें नहीं काट सकते हैं, या बहुत, या वो मुख्यमंत्री को कह दें तो वो बदल नहीं सकता है, तो इस तरह की दिक्कतें तो हैं। केंद्रीय नेतृत्व तो मजबूत है, इसीलिए चीज़ें हो रही हैं। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तो मजबूत होगा तो ही चीज़ें आगे बढ़ती, तभी तो अरविंद केजरीवाल काट लेते हैं टिकट, तब भाई कार्ड, तभी तो CPIM डिसिप्लिन वाली पार्टी है, वहाँ चलिए समझ में बात आती है। लेकिन जो बाकी के दल हैं उनमें तो अगर टिकट काट करके और जीत और हटा दिया जा रहा है और कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कोई बागी नहीं हो रहा है जल्दी, तो ये तो इसीलिए, यानी कि ये जो फेस वाली राजनीति है उसमें ये नया पैटर्न मर्ज कर गया है, और उस पैटर्न का बीजेपी भरपूर फायदा उठा रही है। कांग्रेस इसलिए नहीं उठा पा रही है क्योंकि उस चीज़ में फिट नहीं हो पा रही है, उसका नेतृत्व फिट नहीं हो पा रहा है। हाँ, और देखिए कि अब ये बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, सामने 2024 के भी चुनाव है। उसमें क्या होगा, तो फिर उसमें क्या? तो खैर, उसमें तो खैर केंद्रीय नेतृत्व तो ही फेस होता है, सारी चीज़ें केंद्रीय नेतृत्व तो पर ही डिपेंड करती है। लेकिन क्योंकि यहाँ राज्य की बात हो रही है, राज्य में आप जब एक साल पहले आपने मुख्यमंत्री को चेंज कर दिया, पूरी कैबिनेट को चेंज कर दिया, उसके बाद नए फेस को लेकर आए, और फिर आप नए तरीके से चीज़ें मर्ज कर रहे हैं, लेकिन सिटिंग MLA को, और आप सोचिए ना, जब रविंद्र जाडेजा की पत्नी को टिकट दिया गया, रविबा, हाँ, तो वो तो सिटिंग MLA है, वहाँ से हटाया गया। जो टिकट हार्दिक पटेल को दिया गया, वो उस पर, वो हारी हुई सीट थी बीजेपी को, उस पर तो मजबूत नेता हैं बीजेपी के, वो चाहते थे कि हमें दे दो, दिया गया। तो इस तरह से नए चेहरे लाओ, नए चेहरे ला करके पुराने चेहरों की जो अनपॉपुलैरिटी है वो उन्हीं के साथ विदा कर दो, और पार्टी को एक नया कलेवर दे दो। अब ये सिलसिला जो है, दो बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या ये इस बार बड़े पैमाने पर होने जा रहा है 2024 में, और कौन कौन से ऐसे सीनियर नेता हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी टिकटें शायद दोबारा उन्हें न मिले, बावजूद इसके कि इस बार वो जीत के आए, मंत्री भी रहे हैं, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी आ रही हैं कि कुछ मंत्री भी उस फहरिस्त बनने लग गई है और मंत्री भी जा सकते हैं। अब इस पर नजर रहेगी, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर गुजरात में सफल हो जाता है तो ये जड़ पकड़ेगा, इतना तय। तो हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कि वो किन चेहरों को देखते हैं केंद्रीय, क्योंकि हमने चुनावों का जिक्र किया, 2024 में वो किनका, कैसे उन नेताओं को देखते हैं जिनका टिकट कट सकता है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। गुजरात में जो ये नया पैटर्न लागू किया जा रहा है, या फिर राजनीति में ही कहें बीजेपी की तरफ से लागू किया जा रहा है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.